उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अभी संभल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि बरेली के फतेहगंज पूर्वी में सिपाहियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। दबंगों ने इतना ही नहीं, सिपाहियों के साथ मारपीट ही नहीं, उनके सरकारी पिस्टल को भी छीन लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंग यही नहीं रुके, अवैध हथियारों से फायरिंग भी करी। फतेहगंज पूर्वी में एक जमीनी विवाद को निपटाने गए थे पुलिसकर्मी, जहां दबंगों ने वहां खड़े ट्रैक्टर में भी आग लगा दी। अब सवाल ये उठता है कि जब जनता की सुरक्षा देने वाली पुलिस ही खतरे में है, तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए तो दबंगई मौके से फरार हो गए। पिस्टल भी दूंगा, चल उधर उधर सब तेरे पास। देखिए, यहाँ पर कोई सीमा विवाद नहीं था। ना अभी ये दातागंज थाना क्षेत्र का एक गांव शेरा है, वहाँ की जमीन है और बरेली के दो लोगों, एक हमीद और गट्टू, इनके दो के मध्य एक गाटा संख्या को लेकर वहाँ विवाद है। सुबह दोनों पछवाएँ इकट्ठा हुए थे और दोनों में मारपीट हुई, फायरिंग हुई। जब यहाँ पुलिस को सूचना मिली तो हमारी टीआरवी वहाँ मौके पर तत्काल पहुँची। एक शख्स को वहाँ गोली लगी थी, उन्होंने टीआरवी ने तत्काल उसको पिक किया और हॉस्पिटलाइज किया। सिद्धिविनायक में उस समय भर्ती है और इशराद नाम का व्यक्ति, उसको गोली लगी हुई है। अभी जो थाना अध्यक्ष ने बताया है कि उसकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर बताई जा रही है और संबंधित थाने में अभी इस संबंध में कोई FIR पंजीकृत नहीं हुई है और ना किसी तरह की तहरीर हमारे यहाँ किसी थाने पे दी गई है। जो प्राइमर सिंचाई लगा है कि इनका भूमि विवाद है, पहले से है, दोनों पक्षों में रंजिश है। बाकी कार्रवाई स्थानीय स्तर पर भी की जा रही है, इंप्लीमेंटरी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी SPRA साहब, क्षेत्राधिकारी और दो तीन थानों का पुलिस वहाँ मौके पर तत्काल पहुँच गई है और बाकी कार्रवाई अभी की जा रही है।